नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवी। बिहार के एक विख्यात और बुद्धिजीवी पुलिस के वरीय अधिकारी के रूप में विकास वैभव ने अपनी ख्याति युवाओं के मनोबल को बढ़ाने, शिक्षित एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नमस्ते बिहार कार्यक्रम जो कि 2021 में प्रारंभ की थी, वह अब आज बनकर लोगों के सामने प्रकट हुई है। इससे सरकार समझे कि विकास वैभव की मंशा क्या है। इस बीच आज विकास वैभव ने गंगा माता की धरती बेगूसराय के जीडी कॉलेज में लाखों लोगों के बीच एक विकसित और शिक्षित बिहार की परिकल्पना कर बिगुल फूंक दिया है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं बेगूसराय से सीधी तस्वीर। 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक स्थिति की दिशा और दशा तय करने के लिए कई क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व जो समाज से जुड़े हुए कार्यों में रुचि लेने लगे हैं, ऐसे में बिहार के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले विकास वैभव ने अपनी नई सोच नमस्ते भारत और कभी नहीं थकने वाला यात्री मन को लेकर बिहार के युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय बनने में सफलता हासिल की है। बिहार में कई जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के बाद उनकी इच्छा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में NIA में की गई थी। इसके बाद वह देश के आतंकवादियों पर नकेल कसने में सफल रहे। इसके बाद वापस लौटने पर बिहार में DIG और गृह विभाग में IG के पद पर रहने के साथ उन्होंने बिहार के राजनीतिक नब्ज को पहचाना। फिर बिहार के युवाओं के शिक्षा, रोजगार और बिहार के विकास की परिकल्पना करते हुए उन्होंने बिहार के कई जिले के साथ देश में 1000 से ज़्यादा जगह पर युवाओं को एकत्रित करने के बाद आज बेगूसराय के GD कॉलेज में उमड़ी हुई लाखों लोगों को संबोधित करने के लिए अपनी जो टीम बनाई थी उस टीम के जरिए पूरे बिहार के राजनीतिक दलों को संदेश देने का काम किया है, जिससे राजनीतिक दलों में भी हड़कंप मच गया है। आखिर विकास वैभव का लक्ष्य क्या है? क्या वह राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखेंगे या फिर कोई पार्टी बनाकर बिहार के विकास की लड़ाई लड़ेंगे? आज हम आपको पहले दिखाते हैं बेगूसराय में उमड़े हुए लोगों का और मंच पर बैठे उनके टीम के विचार पहुंचा रहे ताकि उनकी सोच बिहार की जनता के बीच आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़। हम लोग आए हैं कि इलेक्शंस आज बिहार के द्वारा आयोजित आदरणीय विकास वैभव जी जो सीनियर IPS हैं, IG के पद पर हैं, उनके द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है इलेक्शंस पर बिहार, जिसके तहत आज नमस्ते बिहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, समता, उद्यमिता के क्षेत्र में जो है हमारे नौजवानों को प्रेरित करना। आप देख रहे हैं कि लोग नौकरी के लिए त्राही माम है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है, लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ नौकरी के इंतजार में हैं। लेकिन जब बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और हमारा समाज जो समतामूलक समाज का स्थापना होगा, जाति और भेदभाव समाप्त होगा और यहाँ उद्योग लगेंगे, तो निश्चित ही हमारे देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, युवाओं का जो है मनोबल आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार लोग नौकरी पर आश्रित हैं, नौकरी पर आश्रित नहीं है, उद्योग के क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके लिए सारी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन इस मुहिम को आदरणीय श्री विकास वैभव जी के द्वारा चलाया जा रहा है और निश्चित ही जिस प्रकार आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आगाज हो चुका है बिहार में और बिहार में बदलाव होगा और निश्चित ही बिहार में बदलाव होना तय है। और सभी जाति धर्म के लोग आए हैं, इसमें किसी का नहीं भेदभाव है। यहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं, सभी जाति के लोग जुटकर आए हुए हैं। सभी, कोई ऐसा जाति नहीं, चाहे कुर्मी हो, कोयरी हो, जो जातिवाद की बात करते हैं, किसी तरह का जातिवाद यहाँ नहीं है। जातिवाद को समाप्त करना है और देश को विकसित करना है।
कार्यक्रम बन रहा है। आज नमस्ते बिहार के तत्वाधान में लेट्स इंस्पायर ऑफ बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जिनके मुखिया, जिनके डायरेक्टर, बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव, हमारा बिहार का वैभव, बेगूसराय का वैभव, विकास वैभव के नेतृत्व में जो आज ये देख रहे हैं, जो इतने बड़ा आयोजन जो हुआ, इसका मेन जो थीम है वो है शिक्षा, समता और उद्यमिता। शिक्षा कहने का मतलब है हमारा बिहार, अगर बिहार को अतीत में देखा जाए, बिहार का जो इतिहास रहा बहुत ही पौराणिक इतिहास रहा, दुनिया भर के लोग, विश्व भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। हमारा बिहार जो है वीरों की भूमि है, क्रांतिकारी की भूमि है, बिहार हमारा दर्शन है। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अभी वर्तमान स्थिति जो है हमारा बिहार का, इसमें हम आपस में उलझे हुए हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, इस सबसे ऊपर उठ करके हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा में अपना योगदान दें और हमारा जो पुराना जो बिहार का गौरव था उसको हम अपनाएं और उस पर हम लोग काम करें। और देखिए आज इतना प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम रहा विकास वैभव का, कि पूरे बिहार में पूरे से राज्य से यहाँ पर लोग आए और पूरा बेगूसराय जिला हमारा आज बिहार पर और बिहारी होने पर पूरा गौरव महसूस कर रहा। हमारा बिहार कहा जाता है कि हमारा जो बिहार है ये बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, ये बिहार हमारा क्रांतिकारी की भूमि है, ये बिहार भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद की भूमि है, ये बिहार विकास बाबा जी आए हुए होंगे। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है विद्यार्थी लोग के लिए है, जो बहुत अच्छे कर रहे हैं विकास बाबा जी, तो ये हमारे बिहार के लिए ही, ये बिहार के स्टूडेंट के लिए ही ज़्यादातर विकास बाबा जी रखे हुए हैं। युवाओं का जॉब सबसे ज़्यादा उद्देश्य है कि जॉब लग जाए और शिक्षा के जो विरुद्ध है वो आगे बढ़ जाए, यही सब कार्यक्रम के लिए सैतालीस में कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, यह तभी संभव है जब बिहार में भी हर व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार हम दे पाते हैं। आज चिंता इसलिए है क्योंकि बिहार में युवाओं की संख्या हर जाति हर संप्रदाय के लगभग 9 करोड़ लोग है, जिसमें इनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे में आवश्यक है कि सभी के लिए हम किस प्रकार से रोजगार का सृजन हो उस पर चिंतन करें। यदि किसी भी पार्टी की सरकार आती है, कितना भी प्रयास करती है, तो कुछ लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। जनसंख्या का लगभग 1% के आसपास हम कह सकते हैं, ये उससे थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन यदि सभी को हम चाहते हैं कि बिहार में रोजगार मिले, तो निश्चित है उद्यमिता का विकास होगा, उद्यमिता का विकास करना होगा और उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को हमें ट्रेन करना होगा, मार्गदर्शन देना होगा। ये इस अभियान के अंतर्गत